आप देख रहे हैं माय एजुकेशनल वीडियो हिंदी यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के साथ डेब्यू करने वाले ऑलराउंडर जोगिंदर शर्मा अब क्रिकेट की दुनिया से दूर हरियाणा पुलिस में DSP है। 2004 में दोनों ने एक साथ डेब्यू किया था। आज हम आपको उनकी लाइफ के कुछ किस्से बताते हैं। एक्सीडेंट से बदल गई उनकी लाइफ। साल 2011 में जोगिंदर शर्मा का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में उनके सिर में गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद उन्हें कुछ समय तक ICU में रहना पड़ा था। हादसे के बाद जोगिंदर ठीक तो हो गए थे, लेकिन इंडिया टीम में वापसी नहीं कर पाए। T20 वर्ल्ड कप 2007 से जोगिंदर को पहचान मिली थी, जब मैच के दौरान कैप्टन धोनी ने आखिरी ओवर जोगिंदर शर्मा को दिया। मैच को जीतने के लिए पाक को लास्ट ओवर में 13 रन चाहिए थे। पाक के पास एक विकेट था, जो जोगिंदर ने गिराकर इंडिया टीम को जिता दिया और T20 के हीरो बन गए। जोगिंदर शर्मा ने कुल 4 मैच खेले, जिनमें 35 रन बनाए और एक विकेट भी लिया था। जोगिंदर शर्मा अब हरियाणा पुलिस में लंबे समय से बतौर DSP ड्यूटी कर रहे हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर होने वाली परेड में वे मार्च पास्ट करते नजर आते हैं। साथ ही कई बार नाइट ड्यूटी करते हुए भी स्पॉट हुए हैं। 2007 के T20 मैच के लिए जोगिंदर को हरियाणा सरकार ने 21 लाख का इनाम भी दिया था।